अपनी काल्पनिक दुनिया में स्वागत करता हूँ। छोटी मोटी कहानी है, चटपटी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है मैं, वो और रशियन। मैं यानी बॉयफ्रेंड, वो यानी गर्लफ्रेंड और रशियन यानी रशियन। कहानी का सार इस प्रकार है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़कर रशियन के पास चला जाता है और एक साल बाद उसी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है। क्या स्टाइल जो है स्वयं श्रीवास्तव की है, लव्स वर्ड्स फीलिंग सब मेरे हैं। पानी से बुझ जाए मैं वो आग नहीं हूँ, आशिक हूँ तेरा जान कोई अनजान नहीं हूँ। आशिक एक साल बाद मैसेज कर रहा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। पानी से बुझ जाए मैं वो आग नहीं हूँ, आशिक हूँ तेरा जान कोई अनजान नहीं हूँ। मुझसे मिलोगी तब न तुम ये जान पाओगी, मुझसे मिलोगी तब न तुम ये जान पाओगी। मैं था जो साल पहले वो चिराग नहीं हूँ। तब गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आता है, क्या साल बीतने के बाद याद क्यों करनी, सब छोड़ो ये बोलो कि मुलाकात क्यों करनी। साल बीतने के बाद याद क्यों करनी, सब छोड़ो ये बोलो कि मुलाकात क्यों करनी। तुम छोड़ कर गए मुझे रशियन के वास्ते, तुम छोड़ कर गए मुझे रशियन के वास्ते। अब जाओ उसके पास मुझसे बात क्यों करनी। सही जवाब था, अब गर्ल्फ वो बॉयफ्रेंड क्या ही कहेगा। लेकिन क्या कहा अगले हीरो ने हमारे, सुने। होती जो मोहब्बत में वो जज्बात नहीं थी, ऐसा नहीं हसीन मेरी रात नहीं थी। होती जो मोहब्बत में वो जज्बात नहीं थी, ऐसा नहीं हसीन मेरी रात नहीं थी। जन्नत में हो कर भी तुझे ढूंढता था मैं, जन्नत में हो कर भी तुझे ढूंढता था मैं। जो तुझ में है वो जान उसमें बात नहीं थी। क्या लगता है इंडियन गर्लफ्रेंड मान जाएगी इतनी सी बात पे? उसका रिप्लाई आया कि झूठी है तारीफ, डिजिटल है जमाने, सब जानती हूँ तुमको तुम्हारे ये बहाने। झूठी है तारीफ, डिजिटल है जमाने, सब जानती हूँ तुमको तुम्हारे ये बहाने। छः छः हजार करके जब कंगाल हो लिए, छः छः हजार कर छः छः हजार करके जब कंगाल हो लिए, तो याद आए तुमको अब ये लोग पुराने। जब गर्लफ्रेंड किसी भी फ्लर्टिंग से तारीफ से ना माने तो एक इमोशनल अत्याचार काम आता है जो सीधा उसके दिल पे चुभे। तब बॉयफ्रेंड लिखता है कि दिल पर जो लगती चोट असरदार है होती, गलती नहीं गुनाह है जो बार बार है होती। दिल पर जो लगती चोट असरदार है होती, गलती नहीं गुनाह है जो बार बार है होती। दूर तुझसे रह कर आई बात एक समझ, दूर तुझसे रह कर आई बात एक समझ। रबड़ी से बेहतर तो घर की दाल है होती। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे बॉलीवुड में सबकी शादियां हो रही हैं, तब एक पीड़ित दुखी फैन क्या कहता है। शादी की देखो कैसी हड़बड़ी सी हो गई, किया रयामी आलिया अजनबी सी हो गई। शादी की देखो कैसी हड़बड़ी सी हो गई, किया रयामी आलिया अजनबी सी हो गई। जैसे तैसे दिल को हम समझा ही पाए थे,
जैसे तैसे दिल को हम समझा ही पाए थे, परिणीति के साथ भी राजनीति हो गई। और जो लड़कियां समझती हैं कि लड़के सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन लड़कियों को समर्पित। मौके पे चौका मारने में देर नहीं लगती, आशिक को माशूकाएं कभी बहन नहीं लगती। मौके पे चौका मारने में देर नहीं लगती, आशिक को माशूकाएं कभी बहन नहीं लगती। मिल जाए आप जैसी कोई हूर अप्सरा, मिल जाए आप जैसी कोई हूर अप्सरा, तो शक्ति कपूर बनने में फिर देर नहीं लगती। और एक ये मेरा आखिरी है, जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, बॉयफ्रेंड दोस्त, उनसे पूछता भाई कैसा चल रहा है, तब वो उसके मन में क्या होता है, की है जब से दिल लगी लग गए हैं रास्ते, कोई बचा ले मुझको उस खुदा के वास्ते। की है जब से दिल लगी लग गए हैं रास्ते, कोई बचा ले मुझको उस खुदा के वास्ते। जब से रखे हैं इश्क की नगरी में ये कदम, जब से रखे हैं इश्क की नगरी में ये कदम, थक चुका हूँ दिल रुबा के घर के बर्तन मांझते। धन्यवाद।